स्वागत है आपका। सवेरा का मौसम होता है बड़ा अच्छा होता है, तो मॉर्निंग वॉक चल रही है अभी तो। ऊपर देखो कितना जंगल है, अब धूप निकलनी भी शुरू होगी, सूर्य देव भी दे दर्शन। अब देखो कितने घने जंगल है यहाँ पे, ऊपर तक पेड़ ही पेड़ दिखाई देगा आपको। तो पक्षियों की चहचहाट देखो कितनी अच्छी, और पहाड़ कितने अच्छे होते हैं, और सुबह सुबह ऑक्सीजन जो लेवल होता है वो बहुत हाईएस्ट होता है। फिर जैसे धूप निकलनी शुरू होगी धरती से कार्बन उठना शुरू हो जाता है। मॉर्निंग वॉक मैं पहुंच चुका हूं गांव के सामने। यहां सड़क से बिल्कुल सामने दिखता है मेरा गांव। वो नीचे जो दिखाई दे रहा है ये नीचे, ये मेरा गांव, गांव ज्ञाना। गांव ज्ञाना ये देखो, ये है मेरा गांव ज्ञाना। और बिल्कुल ज्ञाना गांव के पिछली तरफ पीछे जाके अंबुजा सीमेंट प्लांट का जो माइनिंग एरिया है, जो मैंने कल की वीडियोस में आपको दिखाया था, मैं बिल्कुल इसके नज़दीक चला गया था नीचे नाले में बांस लाने के लिए। तो ये बिल्कुल वो एरिया है यहाँ पे अंबुजा फैक्ट्री का, एसी का जो लार्जेस्ट अंबुजा सीमेंट प्लांट है उसका। और यहाँ ऊपर ये वाला पहाड़ जब दिखाई दे रहा है, ये पहाड़, इस पहाड़ पे भी कटिंग चल रखी है इनकी अंबुजा सीमेंट वालों की। तो इस पूरे पहाड़ की कटिंग करेंगे ये, इसको पूरा परचेज कर लिया इन्होंने, इसकी कटिंग करके जैसे इस पहाड़ की कटिंग कर रखी है पूरी। तो ये रहा अंबुजा का माइनिंग एरिया, और ये मेरा गांव ज्ञाना। चलिए चलते हैं, थोड़ा सा और घूम लिया जाए। सूरज देव के दर्शन भी हो रहे हैं अब। बिल्कुल जंगलों के बीचों बीच से इस पहाड़ के ऊपर से
और ये जंगल के बीच में ऊपर एक गौशाला भी है जो हमारे गांव की है, हमारे गांव की लोगों की। देखो पक्षियों के चहचहाने की आवाज़ें कितनी अच्छी लगती है ना सवेरे सवेरे। मैं पहुंच चुका हूं घर के सामने और ये रहे नीचे हमारे खेत, और खेतों में पापा जी कर रहे सिंचाई। अब जाके मैं भी कर लेता हूं काम। अभी मैं ढुलाई कर रहा हूँ लकड़ी की, क्योंकि चून का काम है वो कंटिन्यू चल रहा है। तो मैं आया था लकड़ी के लिए, इधर आसपास पेड़ ही बड़े भारी है तो मिटा कर रहा हूँ मैं। तो ये रास्ता यहाँ पे था, मैं नीचे खेतों में यहाँ से आया इधर को, फिर इस रास्ते से होता हुआ अब जा रहा हूँ आगे इस झुब्बड़ के माध्यम से इस रास्ते से। पहुँच गया मैं नीचे गिरा दी लट्ठे, एक मिठाई यहाँ पे लकड़ी का जो मैं पहले लेके आया था, और दूसरा ये दो भी लीजिए। और कवर करते साइड में और ये परे घर सामने, घर से पहले ये इधर खेत में फ्रेंच बीन्स, और ये पर है घर, और यहाँ पे सीएस की डेयरी। चलिए चलते फिर से वापस लेके आते बाकी बची लकड़ी। तो काम तो हम सबको करना पड़ता है इस रास्ते से। आप नीचे ये यहाँ पर रास्ता नीचे ना दिखाता हूँ आपको, इस रास्ते से ये रास्ता, ये रास्ते की सीढ़ियाँ और ये ऊपर झाड़ियाँ, बस इन झाड़ियों में फंसते जब लकड़ी इकट्ठे ले जाते यहाँ से ना गुजरते हम, इन्हें फंसते अक्सर सभी फंसते हैं। और ये हैवी बड़ी ऊपर से झाड़ी वैसे काट रखी, कुछ फिर से काटनी पड़ेगी ताकि दोबारा इनमें ना फंसे लकड़ी। अभी पहुँचूँगा मैं नीचे और नीचे खेत पे, यहाँ नीचे जाके जहाँ पत्थर दिख रहे हैं आप, यहाँ पे इस खेत से और लेके आऊँगा अभी लकड़ियाँ और पशुओं के लिए पत्तियाँ गाय के लिए। तो चलते जी आगे।
ये नीचे यहाँ सर था और फिर ये नीचे नाले में, और नाले से ये यहाँ नीचे खेत पे, तब जाऊँगा आगे। ये नाला यहाँ पे, नाला अधिकतर यहाँ पे हमारे सूख चुके हैं। ये यहाँ पे कुछ है थोड़ा बहुत पानी बचा हुआ नाले में, और ये पाइप हमारी जल शक्ति विभाग की जो गांव को पानी की सप्लाई जा रही है, ये पाइप यहाँ से और ये इस नाला से होती हुई नीचे चल रही है सीधी गांव को, गांव के स्टोर टैंक को। अच्छा चलते आगे, और हम पहुँच गए खेत में। कुछ पत्ते गाय के लिए यहाँ पे, और कुछ ऊपर है यहाँ पे चट्टान लौली है, रस्सिया जमी हुई कुड़िया ना पर्ट जमी है, इसे उठा रखे मैं पत्तों की डी। ये भी अपना अश्विन का खेत, मैं पहुंच चुका हूँ गौशाला में, और ये गिर दिया मैंने पास इधर। हाँ माँ, क्या बना रहे क्या बना रहे आप? सब्जी बना रहे हैं। सब्जी कहाँ की सब्जी बना रहे आप? बीन की? हाँ जी। अच्छा जी, बीन की सब्जी काट भी दी आपने? हाँ जी काट रही। ये आज बन रही है खाने में, खीर बनेगी रात के भोजन में भी, इनकी सब्जी में खीर बनेगी रात में, खीर भी? हाँ जी खीर भी। सच में? हाँ जी। छूट हो गई नहीं, ये बीन की सब्जी, ये चावल और तो साथ में बनेगी खीर और बनेगी चपाती है ना। हाँ जी, बीन चपाती बनेगी। अच्छा अच्छा हाँ जी, आपने कहा ठीक है, हम लोग पानी पी लूँगा।